बहुत बहुत धन्यवाद दुपेश सर। चलिए प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, समझते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि सिप में कितना ताकत है, कंपाउंडिंग में कितना बड़ा ताकत है। तो चलिए सबसे पहला सवाल आपके लिए, तो सर आज मैं ये जानना चाहूंगा कि सर चलिए कंपाउंडिंग तो सर मुझे पता चल गया कि व्हाट इज कंपाउंडिंग, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम पैसा कमा सकते हैं सर, जरा इसके बारे में। तो जैसे कंपाउंडिंग का नाम लिया, फॉर्मूला उसका वही है, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 to the power n। तो अगर मेरे पास खूब सारा पैसा हुआ तो अपने आप ही फ्यूचर में खूब सारा पैसा होगा। इन केस पैसा नहीं है, कम पैसा है, जो मेरा प्रिंसिपल है वो कम है, तो जो अपने पास एन है कंपाउंडिंग में, अगर टाइम अपने पास है तब भी खूब सारा पैसा बनने वाला है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इट इज द लो एक्टिविटी लेकिन इट्स इम्पैक्ट इज लार्जर। 40 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए दिन का अगर हम बचा पाए, अगर यही हम काम बार बार करते रहें, तो आप उसको 15, 20 या 30 साल पर कंपाउंडिंग करके देखिए, वो बहुत बड़ा पैसा बन के आने वाला है। आप अगर आप आर ज्यादा बढ़ा सके, उसका रिटर्न ज्यादा बढ़ा दीजिए, उसका एन ज्यादा बढ़ा दीजिए या उसका पी ज्यादा बढ़ा दीजिए, तो आपका पास जो फ्यूचर वैल्यू है अपने आप ही ज्यादा बढ़ के आएगी। तो दिस इज द कंपाउंडिंग। और ये जो हम आई एम ए मनी प्रोफेशनल, तो हम ज्यादा मनी पर बात करते हैं, अदरवाइज इसको आप रिलेशनशिप में देखिए, इसको आप रेप्यूटेशन में देखिए। जिसको ये फॉर्मूला आ गया वो जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करेगा। रेप्यूटेशन के बारे में बात करते हैं कि इसको बनाने में 20, 40 या पूरी जिंदगी लग जाती है, और इसको रियून करने में, इसको बर्बाद करने में 2 मिनट नहीं लगेगा। तो अगर आपको ये समझ है, ऐसा एक कहावत है, अगर आपको ये समझ है तो आप कभी भी गलत काम नहीं करोगे। एक होता है, कुछ लोग क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, क्रिमिनल मतलब उनको दे नीड अ शॉर्ट टर्म मनी, इमीडिएट मनी। सपोज एक आदमी को बैंक लूटना है, तो एक बार में उसके पुलिस द्वारा पकड़े जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत लो होती है, क्योंकि वो उसको बार बार करता है, बार बार करता है, तो उसकी जो कैचिंग, पुलिस द्वारा पकड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज उसको ये पता नहीं है कि देयर इज अ कंपाउंडिंग फॉर्मूला। अभी बाजार तेज है तो बहुत सारे लोगों ने पैसे बना लिए हैं, जब आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं फिर एक टेम्पटेशन आता है, इसको खर्च कैसे करें। मेरे पास 10 लाख होगा तो 50 लाख की गाड़ी चाहिए, मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपये होगा तो मुझे 5 करोड़ का घर चाहिए। तो पहले तो मैं अपना पैसा लगाऊंगा, उसके बाद मैं उधारी लूंगा, उधार डेट लोन। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर आपने SIP शुरू किया तो ये आपके फेवर में काम करता है, अगर आपने लोन ले लिया तो इट विल वर्क अगेंस्ट यू। और जैसे कि वो बताया गया है, इट इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन दिस यूनिवर्स, इवन इट इज द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड। तो देख लो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो पैसा तो बड़ी छोटी चीज है, यानी रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, वाइफ के साथ रिलेशनशिप, फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप, वहां पर भी ये काम करता है। इवन हेल्थ, अभी रोज सुबह पार्क गए तो वहां पर भी आप 5 या 7 साल में देखोगे, वहां पर भी एक जबरदस्त कंपाउंडिंग आपको मिलेगी, गुड हेल्थ मिलेगा। तो दिस इज सो पावरफुल और दीज आर द प्रैक्टिकलिटीज। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफी लार्जर आता है, भले अमाउंट अभी सपोज 1,000 का ना, वो जो एक पिज्जा है 1,000 में या एक आता है, या कई बार 2 पिज्जा आते हैं अलग अलग क्वालिटीज के, तो बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर वो 1,000 रुपए कोई 15, 20, 30 साल में आप कंपाउंडिंग करोगे तो एक बहुत बड़ा फंड बन के आ जाएगा। चलिए सर आपने सब समझा, सिर्फ करना है, म्यूचुअल फंड करना है, थोड़े थोड़े करना है, बट लंबे समय के लिए करना है और हमें बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा सर, बहुत ही अच्छी बात है। बट उन लोगों का क्या जिन्होंने अभी तक सोचा नहीं है, या फिर उन लोगों का जो सोच तो रहे लेकिन सर उनके पास पैसे नहीं बचते, कोई तरीका है पैसे बचाने का, कोई बढ़िया एग्जाम्पल जिससे लोगों का आंख खुल जाए कि भाई पैसे बचाने कितने जरूरी है, और जो आप समझा रहे हो अगर वो करे तो लंबे समय में कितना बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम मार्शमेलो इफेक्ट से लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो प्रोफेसर है उन्होंने एक क्लास बनाया और उसमें केवल 4 साल के किड को रखा, और उनको ये बताया कि दीज आर चॉकलेट, बट उनके पास वो मार्शमेलो था, इट इज अ काइंड ऑफ पनीर डिश, पनीर स्वीट डिश। तो उनको बोला 4 साल के बच्चे को, बहुत ज्यादा कल नहीं होती, 4 साल का बच्चा छोटा होता है, उसको बोला कि अभी अगर खाओगे तो एक देंगे, इफ यू कैन डिले दैट टेम्पटेशन फॉर जस्ट 15 मिनट वी विल गिव यू टू चॉकलेट्स। ओके, तो उसके बाद वो प्रोफेसर उस रूम से बाहर चले गए और उसमें से कुछ बच्चों ने खा लिया, कुछ बच्चों ने नहीं खाया, और एक रिसर्च चलता रहा कि आफ्टर 15, 17 और 20 ईयर क्या उसका रिजल्ट आया। तो उसमें जो एक सेट ऑफ किड्स थे जिन्होंने वो नहीं खाया, तो दे वर हाईली सक्सेसफुल, दे आर इन ग्रेट रिलेशनशिप, दे हैव अ गुड प्लान इन फॉर देयर फ्यूचर।
और जो दूसरा सेट था दे ऑल आर रियूंड, यूनिवर्सिटी के गेट तक नहीं पहुंच पाए और दे आर इन डीप ट्रबल। तो हुआ क्या, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, जो पहले वाले जो सेट था जिन्होंने वो मार्शमेलो नहीं खाया, दे लर्न दियर वेरी ग्रेट लेसन इन दियर अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, दैट वॉज डिसिप्लिन, दैट वॉज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो सर अगर आपको ये चीज समझ आ गया तो आप 1,000-2,000 तो बचा ही लोगे कहीं ना कहीं से, जस्ट बजट भी बनाओगे तब भी 1,000-2,000 कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। नहीं नहीं ग्रेट, जो हम पिछले बार में जो हमारा जो सवाल था उसमें वही था कंपाउंडिंग। तो एक छोटा एक जो छोटा एक रिजल्ट होता है लेकिन जो उसका इम्पैक्ट आता है बहुत लार्जर इम्पैक्ट आता है। 1,000 रुपये कंपाउंडिंग आपका 20-30 साल में भी 1-2 करोड़ का पैसा बन जाता है। बच्चों के बारे में हम बहुत सारा सोचते हैं और लविंग भी होते हैं। एक इस तरह का एक केस है कि 10,000 रुपये महीना जमा किया, बस केवल 18 साल तक जमा किया, उसके बाद वो 1,00,000-2,00,000-5,00,000 भी निकाल रहा है और एट द एज ऑफ 70 उसके पास 70 करोड़ रुपए से सारा कुछ निकाल के भी सारा लाइफ जी के भी। तो दीज आर द इम्प्लीकेशन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंडिंग, हाउ कंपाउंडिंग पावर। नहीं नहीं वेल सेट वेल सेट। तो सर अब आपने मुझे सिप भी समझा दिया, म्यूचुअल फंड क्या है वो भी समझा दिया, ये भी समझा दिया कि भैया थोड़ा थोड़ा अगर आप बचाओगे और लंबे समय के लिए रखोगे तो आपके लिए फायदा होगा, सब समझ गया। सर ये समझने के बाद क्या आप मुझे ट्रेडिंग में भी आना चाहिए? एग्जैक्टली, वो एक कहावत है, डैडी विस्की पीते हैं लेकिन हमको मना करते हैं, ठीक है? तो डैडी कुछ समझ के मना कर रहे होंगे। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फर्क होता है। इसको आप ऐसे एक एग्जांपल समझ लो, आपने एक 99 इयर्स का हैंडसम गाय देखा, 99 इयर्स का, जो कि सिगरेट पी रहा हो, तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं भी सिगरेट पीऊंगा तो मैं भी जिंदा रह जाऊंगा। तो दिस इज ए स्मॉल सेट ऑफ डाटा, थिंक अबाउट द अदर पीपल हु इवन डिडंट स्मोक डिडंट ड्रिंक, वो मर गए बट वो 99 ईयर का जिंदा रह गया। तो किसी लोगों के लिए बहुत प्रॉफिट रहा होगा लेकिन सब लोगों के लिए प्रॉफिट नहीं रहता है, और ये इसमें बड़ा फर्क होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ये इन्वेस्टमेंट होता है ये आपका जो रिजल्ट देता है ये एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देता है। 10 रुपए की चीज 1,00,000 रुपए हो जाती है। जो मेघालय सबसे बड़ा शेयर है आज की डेट में वर्कशायर हैथवे का है, 1960 का रेट उसका मेघालय से 60 रुपए 60 डॉलर, वो डॉलर में चलता है, ये 4,00,000 का भी वो डॉलर टर्म है, नॉट इन द INR। तो बक्सायर है तो 1960 का रेट है करीब 30 या 40 डॉलर, आज वो करीब 4,00,000 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, उसे एग्जैक्ट पता नहीं है बट आई थिंक ऐसे ही रेट पे है वो। तो दीज आर द एक्सपोनेंशियल रिजल्ट। अब किसी ने 10 रुपए भी लिया होगा, 10 डॉलर भी लिया होगा, आज वो इतना 4,00,000-5,00,000 डॉलर पर कोट कर रहा है, दीज आर द एक्सपोनेंशियल। ग्रेट ग्रेट। तो हमारे हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मतलब आप ये बोल रहे कि अगर आप सिप में और म्यूचुअल फंड अगर आपको आता है तो आप वहां पे करें, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है, बिना प्रॉपर एजुकेशन बिना गाइडेंस बिना मेंटर के कुछ नहीं कर सकते। वो एक अलग फील्ड, डेफिनेटली वो एक अलग ही फील्ड हो जाता, राइट जी। ग्रेट 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 ग्रेट। तो सर आप जो ये सिप म्यूचुअल फंड की जो बातें कर रहे हैं सर, क्या कोई जो ट्रेडर है क्या उसको सिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेडिंग ही करना चाहिए उसे और वहीं पे उसको अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है? व्हाट इज बेस्ट एज इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर्स? नहीं, ट्रेडिंग मे बी हिज बिजनेस, ठीक है? तो बहुत सारे और लोग भी जो बिजनेस में काम करते हैं वो भी यहाँ पे SIP में पैसा लगा रहे हैं ना, तो अगर वो ऐसा समझे कि ट्रेडिंग ही तो मेरा बिजनेस है, मेरे को भी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाना है। सपोज मैं और जितने इस दुनिया में जितने सारे बिजनेस हैं, और आज साइक्लिकल, हमेशा चांदी नहीं होती है, नहीं? अभी IT का आपका जो वाला एक सेक्टर वो नहीं चल रहा है बट दूसरे सेक्टर चल रहे हैं, yes. अभी फार्मा चल रहा है, तो आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो यस, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यहाँ पर, और डाइवर्सिफाई कर सकता है, और जो दूसरे बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं उनका मजा ले सकता है एज ए इंडिविजुअल। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। कि सर सिप सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड इक्विटी में एक्चुअली पैसा बनता कैसे? सिप का पैसा बिजनेस में लगता है। बिजनेस में क्या होता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी आती है, हर साल जो रिजल्ट देते हैं ना आपको बताते हैं कि इतना हमारा प्रॉफिट आया, तो उसको हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज एक आदमी है, एक उसका कुत्ता है, तो अगर वो कुत्ता चेन से नहीं बंधा है तो आप देखोगे कुत्ता इधर उधर जाते रहता है, आदमी सीधे चलता है। कई आप देखोगे कई बार बीच में मिल जाते हैं और जो लास्ट पॉइंट है वहां तो मिलते ही मिलते हैं,
और ये ताजुब की बात है, जब घर आ रहे होंगे दोनों इकट्ठे आते हैं ठीक है, तो आप देखना उसका शेयर प्राइस और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको मैच करते रहेंगी। अभी कोरोना के टाइम पे मार्केट एकदम नीचे था, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे जैसे उनके प्रॉफिट आए तो सारे के सारे शेयर बढ़ के आ गए। तो आप देखो कि जो अंडरलाइन चीज है उसका वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा आपका वो कभी ना कभी उसको कैच कर ही लेगा। पिछले 25-30 साल में देखोगे जितना आपका सेंसर का रिटर्न आ रहा होगा उतना ही कंपनियों का ईपीएस भी बढ़ के आ रहा होगा, वो हमेशा मैच करता है। एक समय के समय हो सकता है मैच ना करे, बट वेरी लेटर ऑन सून उसको पकड़ लेता है। चलिए सर, बहुत मजा रहा आपके साथ, बट कुछ एक सवाल अभी भी मेरे पास कुछ बचे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे व्यूअर्स को भी बताएं। तो अगेन अगले सवाल की ओर चलिए बढ़ते हैं। सर ये बताएं कि इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड में क्या अंतर होता है? इक्विटी और हाइब्रिड ये तो दोनों मिले होते हैं। ये जो डेट फंड होते हैं इसको हम बॉन्ड फंड बोलते हैं, या ये एक इसका एक दूसरा नाम है फिक्स एसेट के रिटर्न, फिक्स एसेट के फंड्स। तो आपको पता होता है कि इसका कूपन रेट क्या है। जैसे आप बैंक जाते हैं वो बैंक वाले आपको बैंक एफडी देते हैं, तो बैंक एफडी में इंटरेस्ट होता है। जो डेट फंड्स होते हैं यहाँ पर कूपन होते हैं। तो एक आपको पता होगा कि वो जो कूपन है वो 7% का है, 8% का है, 6% का है, तो उसी हिसाब से इसमें रिटर्न्स मिलते हैं। ओके, दीज आर द डेट फंड्स। दूसरा इक्विटी फंड, प्योर जो आपके इक्विटी फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लैगजी कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के बहुत सारे कैप हैं, और लार्ज कैप और इसके बाद थीमेटिक फंड्स। तो ये पूरे इक्विटी जिसमें केवल इक्विटी का पार्ट्स होता है तो इसको इक्विटी फंड बोलते हैं। तीसरा जो कैटेगरी आपने बोला हाइब्रिड, इसमें हम मिला देते हैं, थोड़ा इक्विटी मिलाया, थोड़ा डेट मिलाया, थोड़ा गोल्ड मिलाया, तो इसका अलग अलग परसेंटेज अलग अलग मार्केट के हिसाब से जो हम करते हैं, तो दे आर कॉल्ड हाइब्रिड फंड। एज ए नेम सजेस्ट इट इज हाइब्रिड, मींस हाइब्रिड वी कैन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर इवन आल्सो। ग्रेट ग्रेट, हाइब्रिड का मतलब ही मतलब मिक्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? ऑफ एवरीथिंग, यस। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन सर अब अगला सवाल, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में वेरियस चार्जेस और फीस क्या होते? जो पूरी इंडस्ट्री चलती है ये चलती है एक्सपेंस रेशियो पे। तो म्यूचुअल फंड वाले एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, वो 1.5% से लेकर 2.5% तक कई जगह पर अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग आता है। तो पूरा इंडस्ट्री जो है वो अपने खर्चे जो है वो यहाँ से एक्सपेंस रेशियो से निकालती है। ओके, सो ये एक्सपेंस रिलेटेड कुछ चीज है, राइट? जी, एक्सपेंस रेशियो। ग्रेट ग्रेट सर, एक और चीज है नेट एसेट वैल्यू, एनएवी। सर उसका म्यूचुअल फंड में क्या इंपॉर्टेंस है एनएवी का? अभी जब कोई भी पोर्टफोलियो बनता है ना, तो सपोज उसमें 20 आपने स्टॉक लिए या 20 आपने वो डेट फंड, बॉन्ड फंड, बॉन्ड्स लिए, पेपर बोलते हैं उसको, डेट फंड जो होता है उसमें पेपर्स लिए जाते हैं, कूपन जो होते हैं पेपर्स लिए जाते हैं, तो उनका कोई एक वैल्यू निकाला जाता है। तो वैल्यू निकालने और परसेंटेज के बाद एक जो टोटल उसकी वैल्यू आएगी उसको एनएवी बोला जाता है, नेट एसेट वैल्यू। तो जब भी आपको कोई फंड लेना होता है तो जो यूनिट आपको डिफाइन होंगी उससे आपका वैल्यू से डिफाइन होगी। सपोज आपका जो एनएवी है वो 10 रुपए है और आपने 1,000 रुपए लगाया, तो 1,000 / 10 आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। इस तरह का उसमें कैलकुलेशन होती है। ओके ओके, और बेसिकली जब ये हम खरीदने जाते हैं म्यूचुअल फंड तो वहां पे हमें एनएवी के रूप में हमें यूनिट दिया जाता है, राइट? जो आपको प्राइस होता है उसको एनएवी बोला जाता है यहाँ पर। जैसे शेयर में शेयर प्राइस होता है, यहाँ पर जो उसका प्राइस होता है उसको एनएवी बोला जाता है। चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए सर अब म्यूचुअल फंड में आते हैं। सर म्यूचुअल फंड रिस्क मैनेज करते हैं और इन्वेस्टर को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? इट इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड एक तो आप यहाँ पर डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। जैसे अभी जो हम खुद अपने स्टॉक लेते हैं ना, वो एक स्टॉक भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी नंबर का ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो उनके एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि भैया 10% से कोई ज्यादा स्टॉक नहीं लेना है। तो वहां पर भी वो आपका रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है, उस कंपनी का प्रॉफिट इतना से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वहां पर भी आपका रिस्क मिनिमाइज कर रहा है। इवन समवेयर जैसे बहुत ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ के आ गई तो वो अपना कुछ इक्विटी बेच के वो अपना डेट में भी आ जाते हैं, यानी 30% तक भी वो डेट में म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो वहां पर भी जो रिस्क है उसको मिटिगेट करते हैं, रिस्क को कंटेन करते हैं। वंडरफुल सर, सब अच्छा है, मुझे सब समझ में आ गया, बट सर स्टिल अगर हम मार्केट में जाए ना सर, कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है,
अबाउट द म्यूचुअल फंड, वो क्या मिसकंसेप्शन है जरा उसके बारे में। तो एक मिसकंसेप्शन ये हो सकता है कि जो 10 रुपए वाली एनएबी है वो अच्छी है बजाय कि 1000 वाली, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। okay. अभी भैया जब कल सुबह वो म्यूचुअल फंड खुलेगा तो मारुति का उसका जो रेट होगा वही मिलेगा, चाहे आपका 10 रुपए का एनएबी हो चाहे उसका 1000 रुपए का एनएबी हो। तो ये बहुत सारे लोगों में लगता है जो उनको ना सस्ता लगता है कि यार इसका रेट तो 10 रुपए जो ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज जो अंडरलाइन जो पोर्टफोलियो है वो सेम है, तो वो तो कैलकुलेशन के हिसाब से है। अभी अगर मार्केट बढ़ेगा, बीटा अगर दोनों फंड का एक रहेगा तो उतना ही आपका बाजार में वो जो है उसको कल एनएबी है वो बढ़ के आएगी। अगर मार्केट घट रहा है, बीटा अगर एक ही है तो वो दोनों ही एनएबी जो है बराबर ही घट के आएंगे। ओके, कंसेप्शन है। तो इसी तरह के बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग का माइंड लेके आते हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ओके, एक्चुअली हमने ना सब घालमेल कर दिया। जो जो वो ट्रेडर थे वो इन्वेस्टर बन गए, जो इन्वेस्टर थे वो ट्रेडर बन गए, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट जहां पर भी आ रही है आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अभी जैसे हम बोले कि यार 4 साल में कोई पैसा डबल हो जाएगा, तो आपको मजा नहीं आएगा, 4 साल लग जाएगा डबल होने में, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो भैया फिर वो लॉटरी टिकट ले लो, वो तो कल ही डबल हो जाएगा। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है भाई, 4 साल तो दिखने में। बैंक FD 5% से 15 साल में डबल कर रही है। अगर म्यूचुअल फंड 5, 6, 7 साल में डबल करते हैं तो बहुत बढ़िया है, बट तो हम उसको उस हिसाब से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो जज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको लगता है यार 4 साल में डबल हो रहा है, कौन सा तीर मार दिया, जबकि बैंक FD वो 15 साल में डबल कर रहे हैं 5% के रेट से। एक मिसकॉन्सेप्शन जो ट्रेडिंग के बारे में है ना, जब पोर्टफोलियो बड़ा हो गया ना 2, 3, 4, 5 करोड़ का, तो एक टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। मतलब 50-60% हम टैक्स दे दिया, क्या बचा आपके लिए यार? नहीं, ये लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। उनको लगता है जो मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मैं ही पैसे कमाऊंगा, क्योंकि वहां पर लगता है ना सेल्फ कि यार मैं तो आई एम द हीरो, मैं क्यों किसी पर भरोसा करूं। लेकिन ये एक वह है कि जो मार्केट जो सेंसेक्स है, चाहे वो इंडिया टर्म में ले लो, इंडिया में उतनी ज्यादा स्टोरी नहीं है, जो ग्लोबली है, तो उन्होंने बोला कि इसको आप बीट नहीं कर पाओगे। बेस्ट से जो बेस्ट फंड मैनेजर है वो उस सेंसेक्स को, जो इंडाइसेज है, उसको बीट नहीं कर पाएगा। तो जब बीट ही नहीं करना है तो इतना टेंशन काहे को लेनी है कि वो शेयर ले लो। आप शेयर ऐसे किसी से सुन के लोगे या कोई रिसर्च करोगे, और उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं रहा तो फिर क्या जरूरत है ऐसा करने की। जो इंडेक्स में है या जो म्यूचुअल फंड, वहां पैसा लगाइए ना, और चैन की नींद सोई है। जो टैक्स लायबिलिटी, ये एक बड़ी समझदारी है कि अगर टैक्स लायबिलिटी आप कम रख पाओगे तो आप अपने आप ही अमीर बन जाओगे। तो एक मनी टर्म में एक ऐसा एक कहावत है, अगर पैसा बचा लिया तो वो भी आपकी कमाई है, आइदर यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और नॉट, इट इज अ डिफरेंट थिंग। इन जनरल प्रैक्टिस अगर एक पैसा भी बचा लिया, दैट इज योर इनकम। तो ये सब मिसकॉन्सेप्शन है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कौन सा आपको फिट करता है। सर बेखूबी सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे, मैंने सोचा एक दो बताओगे, आपने बहुत सारा बता दिया। एंड लिटरली बहुत सारे मिसकंसेप्शन है मार्केट पे जो लोगों को नहीं पता, बट यस दैट्स व्हाई आप हमारे शो पे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आते हो, मेरे जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उसका बेखूबी से, आप उसका प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। सर इट्स रियली लवली टॉकिंग टू यू एंड इट्स रियली वंडरफुल शो। वंस अगेन सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। अगली बार जरूर कुछ आएंगे, कुछ नया लेके आएंगे लोगों के लिए। टिल देन सर टाटा बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।